यहाँ पे मेरे पास में है पास्ता, इटालियन पास्ता, मिलेट पास्ता है ये, वाव मॉम की तरफ से हम लोगों को मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं। चॉप प्याज है मेरे पास पे, टमाटर है, गार्लिक है, कैप्सिकम, मशरूम है, बेजल की पत्तियाँ हैं, बटर है मेरे पास में, मिल्क है, थोड़ा सा मैदा भी हम यूज़ करेंगे वाइट सॉस के लिए। आज मैं लेयर्ड लज़ानिया की तरह बनाऊंगी पास्ता। तो मरीनारा सॉस के लिए हम बनाएंगे, उससे पहले मैं एक कैप्सिकम और 250 ग्राम्स करीब मशरूम को स्लिट जो किया था मैंने, उसको अच्छे से हम इसको सौते कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से सौते कर रहे हैं ताकि इसका जो पानी है वो सारा इवेपोरेट होकर के ड्राई हो जाए और इसके अंदर हम सिर्फ नमक और ब्लैक पेपर का फ्लेवर देंगे जो बहुत टेस्टी लगता है मशरूम और कैप्सिकम के साथ में। देखिए किस तरह से सारा पानी इसका निकल रहा है। तो यहाँ पे मैं अब ऐड कर देती हूँ नमक और मैं ऐड कर देती हूँ ब्लैक पेपर, फ्रेशली ग्राइंड ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे और इसको हम खूब बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके देखिए इस तरह से ड्राई करके निकाल करके रख देंगे। तो हम ये जब पास्ता बेक करने रखेंगे तो ये हम यूज़ कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमारा रेडी है। मरीनारा सॉस मैं बना रही हूँ, उसके लिए ऑलिव ऑयल मैंने यहाँ पे लिया है, क्रश्ड गार्लिक डाल दिया है एक टीस्पून, एक कप करीब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे क्रश्ड अनियंस, चॉप्ड अनियंस है, फाइनली चॉप्ड अनियंस है। हमेशा अनियंस को बहुत अच्छे से चॉप करिएगा, इवनली चॉप करिएगा ताकि वो इवनली कुक हो। क्रश टमाटोज ऐड कर देंगे इसके अंदर, नमक डाल देंगे यहाँ पे, ऑरिगेनो डाल देंगे, चिली फ्लेक्स डाल देंगे, थोड़ी सी चीनी ऐड की है शुगर, और उसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और कुक कर लेंगे जब तक ऑयल इसका ऊपर नहीं आ जाता और पानी एवेपोरेट नहीं हो जाता। फ्रेशली ग्राइंड करके हम ब्लैक पेपर डाल देंगे जिसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है इस मरीनारा सॉस में। तो ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। मशरूम वाला ही पैन ले लेते हैं, फ्लेवर उसमें बहुत है अभी भी। बटर डाल दिया है, गार्लिक डाल दिया है, चॉप्ड प्याज डाल देंगे ताकि हमारा जो वाइट सॉस जो हम बनाने वाले हैं उसके अंदर एक अच्छा सा हल्का सा क्रंच आ जाए। आप चाहें तो प्लेन वाइट सॉस भी बना सकते हैं, मुझे थोड़ा सा प्याज और गार्लिक के साथ में फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा करके जैसे ही हमारा मैदा कुक हो जाता है दूध डालेंगे। जब भी हम वाइट सॉस बनाते हैं दूध एक साथ में कभी भी नहीं डालते हैं, हम हमेशा इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके डालते जाते हैं, मिक्स करते जाते हैं। ब्लैक पेपर, नमक डाल दिया है, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दिया है जिससे लुक ऑफ फ्लेवर बहुत बढ़िया आ जाएगा। चलिए पास्ता बॉईल करने के लिए पानी एक मैंने बड़ा पतीला 10 करीब कप्स ऐड कर दिए हैं, तेल डाल दिया, नमक डाल दिया और पानी जैसे ही बॉईल हो जाए हम पास्ता डाल देंगे। पास्ता को हम अच्छे से कुक कर लेंगे अल दांते तक, यानी 80% हमको इसको सिर्फ कुक करना है, 20% ये सॉसेस के साथ भी कुक होगा, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। चलिए जैसे मैंने बताया था हमारा टमाटो का मरीनारा सॉस ऑलमोस्ट रेडी था, बेसिल डालना बाकी था, तो हम अब फाइनली बेसिल डाल करके खूब बढ़िया तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे और हमारा मरीनारा सॉस देखिए एकदम रेडी है। चलिए हम अपने वाइट सॉस को भी फाइनल कर देते हैं, देखिए कितना बढ़िया है ना। अच्छा, आपकी कंसिस्टेंसी इसकी कैसे चेक करते हैं? तो आप कभी भी किसी स्पैटुला वगैरह में इस तरह से लगा करके पीछे से आप अगर इस तरह से हाथ से करेंगे तो ये अगर ऐसा कंसिस्टेंसी आता है मतलब परफेक्ट है। वाइट सॉस में हम हाफ डाल देंगे अपना पास्ता और मिक्स कर लेंगे अच्छे से।
चलिए बेकिंग के लिए मैंने एक ट्रे ले लिया है। मैं पहले नीचे एक बेस बना रही हूँ पास्ता का। मैरिनारा सॉस जो हमने बनाई थी वो उसके ऊपर हम एक लेयर डाल देंगे अच्छे से। साथ में थोड़ा सा मैं बेसिल डाल देती हूँ, फ्रेश बेसिल, जिसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। जो हमने मशरूम और कैप्सिकम किया था वो ऐड कर देंगे, और सेकेंड लेयर तो हमारा मशरूम का था, थर्ड लेयर अब हम इसके अंदर डाल देंगे वाइट सॉस का। फिर से थोड़ा सा हम ऐड कर देंगे मशरूम और हमारा कैप्सिकम का, और फाइनली हम डाल रहे हैं ढेर सारा चीज़। अब यहाँ पे मैं अमूल का प्रोसेस चीज़ यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने चिली फ्लेक्स डाल के अच्छे से इसको बेक कर दिया है 180 डिग्रीज पे कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए, क्योंकि हमको सिर्फ ब्राउनिंग करनी है हमारे चीज़ की, बाकी सब ऑलरेडी कुक्ड है। चलिए कट करके भी दिखा देते हैं आपको। देखिए लज़ानिया की तरह एकदम बढ़िया तरीके से ये सेट होकर के निकल रहा है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, है ना, बहुत बढ़िया। और पास्ता का फ्लेवर, मेले फ्लेवर बहुत ही स्वादिष्ट था, मेरे बच्चों को तो बहुत अच्छा लगा था। थैंक यू सो मच वाओ मॉम्स फॉर दिस वंडरफुल हैम्पर, एंड थैंक यू वंस अगेन शेफ सुनील सर फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमको बताइएगा आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल हैम्पर, एंड थैंक यू सो मच शेफ सुनील फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वाओ मॉम, आपका प्रोडक्ट हमको बहुत बढ़िया लगा। Thank you and take care.